आमंत्रित करती हूँ। सब मंच पर मैं श्री विश्वजीत जी को आमंत्रित करती हूँ। स्वागत हेतु मैं मंच पर श्री राजू श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ। राजू श्रीवास्तव जी श्रीमान उमाकांत जी का स्वागत करने हेतु मैं मंच पर प्रिय जी को आमंत्रित विषय सहकारिता से रोजगार कठिन है, फिर भी मैं आप कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश आपके सामने करेंगे। ऐसा हमारे कंट्रीज से इसका सहकारिता का उद्गम हुआ है, परंतु ऐसा है सभी चीजों का, जितनी भी अच्छी चीजें इस विश्व पे है वो सब चीज का जो प्रारंभ हुआ है वो हमारे देश भारत से हुआ है। प्रभु श्री राम ने ये विजय पाई थी लंका पर रावण से, तो भी कोल भील कितने लोगों को अपना राजपाट छोड़के सभी के सहयोग से उन्होंने पाया था। सहकारिता का अर्थ यह होता है मिलजुल कर काम करना, और यह वर्तमान परिवेश में रोजगार देने के लिए अगर इसको गंभीरता से किया जाए तो यह एक बहुत बड़ा ये रोजगार देने में यह सफल सिद्ध साबित होगा। वर्तमान समय में जो मांग है, जो बेरोजगारी है, उदाहरण के लिए अमूल दूध आपके सामने है, लिज्जत पापड़ आपके सामने है, और कुछ हजार लोग इसमें, आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, दो डायरेक्टर होता है, कोई लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के कोई व्यवसाय व्यापार करते हैं तो एक प्रोप्राइटर होता है, दो पार्टनर होते हैं, उसकी सीमित संख्याएं हैं। सहकारिता के क्षेत्र में अगर कोई कार्य आप प्रारंभ करते हैं तो कितने लोगों को उसको रोजगार, कितने हजार लाखों लोग उसके सदस्य हो सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो वर्तमान समय में मैं नहीं कहता कि एकमात्र विकल्प सहकारिता ही है, परंतु यह एक बहुत बड़ा विकल्प है रोजगार देने के लिए। इसमें कुछ सिद्धांत मान के चलने होते हैं जिसका अनुपालन है। संख्या ज्यादा होती है तो विभिन्न प्रकार के लोग जुड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं। जितने लोग एक सहकारी समिति से जुड़ेंगे उन सभी का उद्देश्य एक होगा। ऐसा नहीं कि अमूल दूध वाला, लिज्जत पापड़ बनाने वाला, दोनों काम, आप जो काम करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए उसका उद्देश्य सेम रखें, एक रखें, और आपस में जितने लोग उसमें सहभागिता लें। जैसे हमारे यहाँ भाई साहब है माननीय राजीव जी, जब हम जैसे कार्यकर्ता बंधुओं का चयन करते हैं तो देखते हैं कि ये कैसे मेरे साथ कितना संगठन के लिए काम कर पाएगा। उसी प्रकार से जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि यह कितना ईमानदारी से काम करेगा, निष्ठावान होना चाहिए। अगर निष्ठावान लोग नहीं रहते तो कोऑपरेटिव सोसाइटियां बहुत बनी, लेकिन अब सबका साथ स्वयं का विकास, तो उसमें आप देखेंगे विभिन्न सरकारों में, पिछली अब तो भारत सरकार ने एक नया नियम ले आया है जिसमें प्रत्येक गांव में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अवश्य होगी और बहुउद्देशीय कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। पहले ऐसा होता ही उत्पादन कर सकते हैं, परंतु अब आप उसमें दुग्ध का भी कर सकते हैं,